प्रातः 6 बजे का समय है, 1 जून 2017 है। मैं हिलसा हमारी होटल के बाहर सुबह जल्दी उठ गया दर्शन करने। यह जो पुल दिख रहा है ये तिब्बत से जाता है और पुल के पार तिब्बत लग जाता है। पहाड़ी सूखी है, हरियाली की यहाँ कमी है। जिस प्रकार लद्दाख का सूखा वातावरण, वहाँ भी सूखा वातावरण। गाय है, गायों की घंटी सुबह पहले बहुत आनंद दे रही है। गौ माता चर रही है। सुबह सुबह गाय के दर्शन हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। गाय की घंटी की आवाज, ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर में कोई पूजा हो रही है। सामने जो आप देख रहे हैं वो मकान के अंदर एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पर रेस्टोरेंट इसी स्टाइल में होया करता है। गाय सुबह चारा चर रही है, जब वो मुंह को हिला रही है तो उनकी घंटियां बज रही है। उस घंटी की आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी मंदिर में आ गए हैं। इस शांत वातावरण को देखकर काफी अच्छा लगा है। घंटी की ध्वनि बहुत सुंदर लग रही है। 1 2 3 4 गाय खड़ी है, सुबह सुबह चारा खा रही हैं। ठंडी ठंडी हवाएं हमें लग रही है। गायों के बाल लंबे हैं क्योंकि भगवान हर व्यक्ति को उस स्थान पर रहने के लिए उसी प्रकार की व्यवस्था देता है। पहाड़ों पर ठंड है इसलिए गायों को बाल ज़्यादा दिए हैं, यहाँ की गाय ठंड से बचाव कर सके, यह सब प्रकृति का निर्माण है। यह नेपाली लड़कियाँ हैं, सुबह लकड़ी लेकर जाती हैं, मजदूरियाँ करती हैं। ये जो पुल देख रहे हैं ये हिलसा के में है, पहाड़ है, सुबह का दृश्य है, ऊपर बादल हैं, पहाड़ की चोटियां हैं, जिसको मैंने कैद में इस प्राकृतिक दृश्य को कैमरे में लेने का पूरा प्रयास किया है। कर्णाली भी पास में बह रही है। पानी के कलकल करने की आवाज कर्णाली नदी से आ रही है। कलकल करता हुआ कर्णाली नदी का पानी बहुत ही ठंडा और अच्छा है। जड़ी बूटियां भी इसमें मिक्स हो जाती हैं। पानी बहुत ठंडा है। कलकल करती हुई है कर्णाली नदी सुबह सुबह आंखों को बहुत सुहा रही है। बहता हुआ पानी देखिए, यहाँ पर ट्रकों के द्वारा, घोड़ों के द्वारा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाता है। जैसा कि हमारे होटल के पीछे ये पुल है जहाँ पर ये चारों खच्चर जा रहे हैं, इनके ऊपर खाने पीने का सामान रखा हुआ है। यह सामान यात्रियों के लिए ही पहुँचाया जाता है।
पुल के दूसरे साइड में जो आप मकान देख रहे हैं वहाँ गार्ड लोग रहते हैं, उसके आगे चाइना की सीमा प्रारंभ हो जाती है। करनाल नदी का यह विहंगम दृश्य हम सबको आनंदित कर रहा है। यह पुल देखिए किस तरीके से बनाया हुआ है, जैसे कि हमारे भारत का ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला, इस प्रकार झूलता हुआ यह पुल। इसी पुल को पार करने के लिए मानसरोवर के लिए जाना पड़ता है। इस पुल पर पैरों को बहुत जमा कर रखना पड़ता है, क्योंकि कहीं पैर फंस नहीं जावे। करनाली की बह रही है, ऊपर पुल है। हिंसा के रास्ते पुल पार करके उस साइड में बस खड़ी होती है जहाँ से टकला खोल जाते हैं। मैं महेश शर्मा फ्रॉम हिंसा, 1 जून 2017। जय हिंद, जय भारत।